हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग लास्ट टॉपिक स्टार्टिंग करेंगे इस चैप्टर का अपने सॉरी इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक का, इस चैप्टर के, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि हमारे पास एक डाइपोल है, वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किधर से चलती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड को। तो ये मैंने एरो से रिप्रेजेंट कराया। अब ये डाइपोल मैंने उठा के, सपोज ये मेरे पास एक डाइपोल है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज, ये इसका नेगेटिव चार्ज। इस डाइपोल को उठा के मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब क्या होगा इस डाइपोल के साथ? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसे छोड़ेंगी? नहीं छोड़ेंगी, इसे जीने नहीं देंगी बेचारे को। तो ये डाइपोल आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है, डाइपोल पे दो फोर्सेस आके काम करना शुरू कर देती है। एक ये पॉजिटिव वाला जो चार्ज होगा, जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही होंगी, क्या इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल्सन नहीं फील कराएंगे? वो ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पे क्या रिपल्सन फील नहीं कराएंगे? तो इसे क्या करेंगे, इधर को रिपल्स करेंगे। और सिमिलर वे में नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इधर को अट्रैक्ट करेगा। तो दो फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगी यहां, इस प्लस क्यू चार्ज पे हो जाएंगी कितनी, प्लस क्यू ई। फोर्स का फॉर्मूला वही, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ इज इक्वल टू ई क्यू। सिमिलर वे में यहां पे फोर्स कितनी हो जाएगी, माइनस के क्यू ई। और हमने पढ़ा था 11th में, तुमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? लेकिन मैंने तो पढ़ाया था लास्ट ईयर, कि कोई भी फाइनाइट लेंथ अगर बॉडी होती है और उस पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कि अगर उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी फाइनाइट लेंथ बॉडी पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कपल। और कपल का इफेक्ट क्या होता है, कपल क्या प्रोड्यूस करती है किसी भी बॉडी के अंदर, दैट इज रोटेटिंग फोर्स। और इस रोटेटिंग फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्क। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स उसे, टॉर्क। तो ये मेरे पास अगर डाइपोल है, ये 2L इसकी है लेंथ, ये अब ये जो एंगल बन रहा था, ये बन रहा था तुम्हारा थीटा, ये एंगल थीटा बन रहा है। तो दो फोर्सेस एक्टिव है, एक F1 और एक F2। अब ध्यान से देखो, ये 2L है, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 2L cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 2L sin थीटा। इससे हमें कुछ लेना देना है नहीं, हमें चाहिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट। देखो कैसे, अब इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू होता है, कोई सी भी एक फोर्स उठा लो, ईदर फोर्स, अब चाहे वो F1 ले लो चाहे F2 ले लो, एक फोर्स मैंने ले ली, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, कि जिस पे वो दोनों फोर्सेस लग रही है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक फोर्स उठा लो कोई सी भी, क्या हो जाएगी, QE मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। बोलो स्टूडेंट्स, हो जाएगा। टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ये टॉ से। अब E को एक साइड ले लो, 2QL एक साइड ले जाओ, 2QL क्या है, एक साइड ले जाओ, साइन थीटा। अब ये प्रोडक्ट का साइन है स्टूडेंट्स, इसे चाहो तो ऐसे भी करके लिख सकते हो, 2QL इंटू डॉट, ये भी मल्टीप्लीकेशन का ही साइन है, ये लिख लिया मैंने। क्रॉस लिखना चाहो क्रॉस भी लिख सकते हो, तुम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आगे मैं इसे क्रॉस प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो इस वजह से ये टॉ। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E मल्टीप्लाई 2QL कितना होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये कितना हो गया, साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स दोनों के बीच बेसिकली किसका कंपोनेंट है, साइन का, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, वेक्टर E क्रॉस प्रोडक्ट है इस बार, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है P, और ये क्या हो गया, टॉर्क। या 2QL, हाँ सॉरी, ठीक है। अब ये हो गया मेरा टॉ, जो आया टॉर्क बना वो कितना आया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मीन्स होता है, कि अगर इन दोनों कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इस थर्ड जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के क्या होती है, परपेंडिकुलर। राइट हैंड थंब रूल में हमने पढ़ा था, ये अगर तीन कंपोनेंट हो, दो परपेंडिकुलर एक दूसरे के, जो थर्ड जो रिजल्टेंट होता है वो इनके दोनों के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो लिख लो यहां, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क
विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड किसके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के. ये हो गया हमारा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब इसका एक छोटा सा केस और ले लेंगे हम लोग. ये एग्जाम में जरूर पूछा था स्टूडेंट, बहुत बार पूछा गया व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अब ये स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है, पहले जान लो इक्विलिब्रियम क्या होता है. इक्विलिब्रियम होता है डाइपोल की वो कंडीशन जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर रहा हो रुकने के लिए. क्या कर रहा है उसमें वो कंफर्टेबल फील कर रहा हो. देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, कंफर्टेबल फील कब करेगा, जब ये नेगेटिव की साइड को होगा और ये इसका नेगेटिव चार्ज किधर को, पॉजिटिव चार्ज को. तो इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम. तो कैलकुलेट करते हैं, पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं मैक्सिमम टॉर्क किस कंडीशन में होगा और मिनिमम टॉर्क किस कंडीशन में होगा. तो केस फर्स्ट ले लिया मैंने, क्या कंडीशन फर्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, ये कब होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये ले लो या ये ले लो, 90 हो या 270 हो, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम होगी. ये देख लेते, तो टॉ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो दैट इज पी ई. तो ये कब होगा मैक्सिमम, जब डायपोल या तो 90 डिग्री पे हो या 270 डिग्री पे हो. तो इस केस में देखो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा कि पॉजिटिव वाला इधर को धकेलेगा ज्यादा, नेगेटिव वाला इधर को खींचेगा. इस केस में भी देखो ये इधर को धकेला जाएगा, ये इधर को खींचा जाएगा. सेकंड कंडीशन ले लेते हैं, केस टू. केस टू में हम लोग क्या करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आर पैरेलल और एंटी पैरेलल. पैरेलल टू ईच अदर, जब पैरेलल होंगे और एंटी पैरेलल होंगे, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो. इस केस को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ डायपोल. इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम पोजीशन. और इस केस में देख लेते हैं, पहला केस हो जाएगा फोर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आर पैरेलल. तो पैरेलल के केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री. तो टॉ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई साइन 0 डिग्री, दैट इज टॉ इज इक्वल टू 0. अब ये कब होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये है किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की. दोनों के बीच एंगल कितना, 0. इस कंडीशन में देखो जरा, ये मेरे पास डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है दिस वन, और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये जो डायरेक्शन है ये क्या है मेरी, ये है, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता ना ये. तो इस कंडीशन को जरा ध्यान से देखो, पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव की साइड को है और पॉजिटिव नेगेटिव इसका पॉजिटिव की साइड को. इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम. या सिंपल स्टूडेंट्स याद रख लो कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तो उसे बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम. इस कंडीशन में डायपोल को अगर तुम लोग थोड़ा सा भी मूव कराओगे तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, कंफर्टेबल रहना चाहता है एक टाइप का, यहां कहीं भी लेके जाओ थोड़ा सा भी लेके जाओगे तो वापस आ जाएगा, दैट इज नोन एज स्टेबल, कि स्टेबल रहना चाहता है अपनी कंडीशन में. बी पार्ट में देखो इसका, फोर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगर एंटी पैरेलल हो जाते हैं, एंटी पैरेलल कब होगा, जब दोनों की डायरेक्शन अलग हो जाएगी, ये कंडीशन अपोजिट नेचर की होती है। अब इस केस में ये पॉजिटिव वाला चार्ज किधर की साइड को, पॉजिटिव का नेगेटिव की नेगेटिव को, तो रिपल्सन होगा ना, हल्का सा तुम टर्न करोगे तो पूरा घूम जाएगा डायपोल, हल्का सा भी से ट्विस्ट करोगे तो ये ऐसे नहीं घूमेगा, वापस नहीं आएगा, ये वापस पूरा घूम जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल पोजिशन, कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, एंटी पैरेलल हो एक दूसरे के, मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 180 डिग्री। तो टॉ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीई साइन 180 डिग्री। तो टॉ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के पीई साइन किस में पॉजिटिव, सेकेंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, तो पीई कॉस 90 हो जाएगा ये। तो टॉ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। टॉर्क इसमें भी जीरो, लेकिन इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये दोनों कंडीशन बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है कि टॉर्क की स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझाइए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसके दो पार्ट में डेरिवेशन है, ये इसका ये वाला जो पार्ट है ये आता है हमारे चैप्टर वन में, बट फिर वहां से फिर हम लोग यहां पढ़ते तो थोड़ा सा भूल जाते, तो मैं दोनों टॉपिक एक ही जगह करा रहा हूं। सेकंड टॉपिक आ जाएगा हमारा इसमें ही, बी टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहां ऑलरेडी डायपोल रखा हुआ और ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, अब हम क्या करेंगे इसे थोड़ा सा घुमा के देखेंगे फोर्स के अगेंस्ट, तो वो वर्क डन बेकार नहीं जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा डायपोल में, वो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे। नाउ फ्रेंड्स अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ये जो हमारा पीछे टॉपिक हमने ड्राइव किया था इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे, बी पार्ट, ये इससे ही रिलेटेड है। तो बी पार्ट हम लोग करने वाले क्या, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं इस बार डायपोल की। टॉर्क को हटाते हैं हम यहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर से हमने एक डायपोल लिया हुआ है, वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये सपोज ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब ये जो एंगल बना रहा है स्टार्टिंग में, ये विद रेस्पेक्ट टू अगर हम लोग लेंगे ऐसे ले लेंगे, ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा वन। अब मैंने क्या किया, ऑलरेडी अगर जब एक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, ऑलरेडी इस पर टॉर्क लग रहा है, कितना टॉर्क लग रहा है, पी साइन थीटा लग रहा है ना। अब मैंने क्या किया, इसके फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मैंने इसे घुमा दिया, वर्क डन किया कुछ, कहां से घुमाया, थीटा वन से थीटा टू तक इसे मैंने घुमा दिया, ये जो इसकी एक्सिस हो गई अब थीटा टू हो गई। अब जितना भी घुमाने में मैंने वर्क डन किया वो कहां गया, वो स्टोर हो गया इस डायपोल में इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इस डायपोल को छोड़ोगे तो ये वापस आने की कोशिश करेगा, है ना। तो जितना भी वर्क डन किया वो स्टोर हो गया किसमें, इलेक्ट्रिक इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो कैलकुलेट करते हैं, पहले हमने घुमाया कितना है, थीटा वन से थीटा टू, डब्लू वर्क डन हुआ, मैं स्मॉल घुमा के देखता हूं डी थीटा, फोर स्मॉल एंगुलर रोटेशन, कितना रोटेशन किया मैंने डी थीटा, तो वर्क डन भी तो कम हो जाएगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स कितनी लग रही है इस पे, टॉ कितना घुमाया डी थीटा। नाउ टॉ की वैल्यू कितनी है, पी ई साइन थीटा डी थीटा डी डब्ल्यू, बोलो ये ना स्टूडेंट्स, टॉ का फॉर्मूला पीछे हमने ड्राइव किया, दैट इज कितना आता था, पी ई साइन थीटा ये। अब टोटल वर्क डन निकाल देते हैं, कितना घुमाने, टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन इन मूविंग डायपोल, सॉरी इन रोटेटिंग डायपोल, इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम कहां से कहां तक घुमाया हमने, थीटा वन से थीटा टू। तो कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करो, वर्क डन डी डब्ल्यू कहां से कहां तक घुमाए, थीटा वन से थीटा टू,
इज इक्वल टू थीटा वन से थीटा टू कितना था, पी ई साइन थीटा कितना हो गया डी थीटा, है ना स्टूडेंट्स। अब इंटीग्रेट करते हैं तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा मेरा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करूंगा मैं किसे थीटा वन से किसके रेस्पेक्ट में थीटा टू, किसे साइन थीटा डी थीटा, है ना। तो कितना हो जाएगा पी ई, इसका इंटीग्रेशन करो कितना हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा, लिमिट लगा दो थीटा वन टू थीटा टू, लिमिट सब्स्टिट्यूट माइनस पी ई माइनस मैंने बाहर ले लिया तो अंदर कितना हो गया ये अपर लिमिट थीटा टू माइनस लोअर लिमिट थीटा वन, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पी ई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरा कॉस, देखो माइनस की मल्टीप्लाई की माइनस कॉस और ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस वाला मैं पहले लिख रहा हूं थीटा वन माइनस के कॉस थीटा टू, ये क्या हो गया वर्क डन घुमाने में। अब एक्चुअल में डायपोल की पोजीशन हम लोग क्या मान के चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि वो स्टेबल में है। हाँ अब क्या होगा, हमने कितना घुमाया इसे 90 डिग्री, पहले कितना बना थीटा वन, कितना घुमा दिया इसे 90 डिग्री, जो थीटा वन है वो कितना घुमा के रख दिया हमने इसे 90 डिग्री पे है, या सिंपल 90 डिग्री पे थीटा वन इसकी पोजीशन। अब आगे कितना ही घुमाओ इसे, यहां से 0 डिग्री घुमाओ, 10 घुमाओ, 20 घुमाओ, 30 घुमाओ, जितना भी हम लोग घुमाएंगे वो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हाँ तो इन रोटेटिंग डायपोल इनिशियल पोजीशन क्या मान लिया हमने डायपोल की, थीटा वन कितने पे है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे तो उस पर टॉर्क लगेगा, ये ऐसे मान लो, सॉरी ये नहीं ये मान लो, और आगे कितना ही घुमा लो इसे थीटा टू, मर्जी है तुम्हारी कितना ही घुमा लो, तो थीटा मैंने ले लिया है तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई, ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा वन कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा टू कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, या डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पी ई कॉस थीटा। अब थीटा आगे कितना ही घुमाओ तुम लोग, अब जितना भी ये वर्क डन किया था हमने डायपोल को 90 डिग्री से आगे जितना भी घुमाओगे वो कहां जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख दो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग इन रोटेटिंग डाइपोल appears as its potential energy, किसमें convert होगी उसकी सारी energy जो घुमाने में हमने use की थी potential energy में, potential energy का formula U is equal to minus आएगा minus is equal to minus के PE cos theta, ये formula हो गया हमारा किसका potential energy of dipole का। पीछे जो हमने टॉपिक किया था वो था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस का, ये किसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल का। इसके भी दो कंडीशन ले लेते हैं, पहला केस वन, केस वन में क्या लेंगे इफ डायपोल इज रोटेटेड थ्रू जीरो डिग्री, तो अगर हम लोग जीरो डिग्री, वैसे जीरो डिग्री तो 90 पे ही होगा, जीरो डिग्री कोई नहीं, हम लोग कितना कर लेते हैं इसे और 90 कर लेते हैं, हमने क्या किया इसे 90 डिग्री और घुमा दिया, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस के पी ई कॉस 90 कितना हो जाएगा जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी जीरो, जीरो कब होगी जब हम इसे और 90 घुमा देंगे। तो ये डायपोल था, हमने इसे कितना घुमा दिया 90, कितना घुमाया इसे 90 डायपोल को, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी जीरो। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी मेरी जीरो, तो ये क्या स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, आप ध्यान से देखो ये बताओ जरा, ये इसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की साइड को अट्रैक्टेड है और इसका ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की साइड को अट्रैक्टेड है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे इसकी मैक्सिमम स्टेबल, क्योंकि इस कंडीशन में डाइपोल कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एक एक्टिविटी शो नहीं कर रहा या कोई भी बेसिकली एनर्जी शो नहीं कर रहा। दूसरा केस ले लो 180 डिग्री, 180 डिग्री कौन सा केस हो जाएगा
ये टोटल पूरा है ये, तो इस कंडीशन में जब डायपोल को यहाँ रखोगे तो वापस आने की कोशिश करेगा ना ये, तो मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी। चलो देखते हैं आती है कि नहीं आती। इफ डाइपोल इज रोटेटेड थ्रो 180 डिग्री, तो अगर मैं घुमाता हूं उसे कितना 180 डिग्री स्टूडेंट, तो कितनी एनर्जी आती है चेक करते हैं एक बार। तो U इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस के पी ई कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी पी ई पॉजिटिव में आई है, तो ये कंडीशन क्या होगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, या इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम अनस्टेबल, क्या बोलेंगे मैक्सिमम अनस्टेबल, इसे हम लोग मैक्सिमम स्टेबल या मिनिमम अनस्टेबल बोल सकते हैं, और ये हो जाएगा मैक्सिमम अनस्टेबल। ये था स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर का आधा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अपना इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस वाला टॉपिक दो दिन में हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसके करेंगे रिविजन और फॉर्मले, वो पूरा रिवाइज कर लेंगे फॉर्मले, फिर इसके हम लोग लेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। स्टूडेंट यहां तक रिवाइज करो और नोट्स बना लो।